लोगों को गांव में रोजगार देने की योजना बनाई जा रही है। जिस तरीके से इस वक्त महामारी फैल रही है, इस चुनौतियों के दौर में भी अब योगी सरकार अवसर लेकर आ रही है मजदूरों के लिए। प्रवासी मजदूरों को गांव में ही रोजगार मिले, इसका प्रबंध हो रहा है। 20 लाख प्रवासी श्रमिक के लिए बड़ा अवसर, लेबर रिफॉर्म कानून के जरिए अब रोजगार देंगे। अफसरों के साथ सीएम ने इस मुद्दे पर चर्चा की है। स्किलिंग डाटा तैयार करने के निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। अब तक 8 लाख प्रवासी यूपी पहुंच चुके हैं। 3 दिन में 80 ट्रेनों से 8 लाख लोग आए हैं। अभी 35 और ट्रेनों से श्रमिकों को लाया जा रहा है। रोज 35 से 40 ट्रेनों से यूपी लेकर आया जा रहा है श्रमिकों को। सुरक्षित सम्मानजनक वापसी के निर्देश भी दिए गए हैं सीएम की तरफ से। खाड़ी देश से लौटने वालों के लिए भी अवसर है। इसमें सभी श्रमिकों को राशन खाना दिया जा रहा है। और देखिए, कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि आखिरकार किस तरीके से योगी सरकार मजदूरों के लिए अच्छे दिन ला रही है, योगी सरकार किस तरीके से काम कर रही है मजदूरों के लिए। मजदूरों के हित में श्रम कानून में बदलाव भी किया गया है यूपी में, और चुनौती को अवसर में बदलने में योगी सरकार लगी हुई है। इस वक्त चुनौती का दौर है। महामारी के चलते गरीबों को गाँव में ही रोजगार देने की योजना बनाई जा रही है सरकार की तरफ से। प्रवासी मजदूरों को गांव में ही रोजगार मिलेगा, इसके इंतजाम किए जा रहे हैं। लोग परेशान ना हो जो मजदूर अब दूसरे राज्यों से अपने गांव पहुंच रहे हैं। 20 लाख प्रवासी श्रमिक के लिए बड़ा अवसर है। लेबर रिफॉर्म कानून के जरिए अब रोजगार दिया जाएगा मजदूरों को, और स्किलिंग डाटा तैयार करने के भी निर्देश दिए जा चुके हैं। डाटा तैयार करने के लिए कहा गया है स्किलिंग। अब तक 8 लाख प्रवासी यूपी पहुंच चुके हैं। मुरादाबाद।